गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने के पापड़। तो आइए, सबसे पहले हम गलाते हैं साबूदाना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है, यहाँ पर मैंने 3 कप साबूदाना लिया है। तो आप पापड़ के अनुसार, मतलब आपको जितने पापड़ बनाने हैं उसी हिसाब से आप साबूदाने को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबूदाने की मात्रा को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप साबूदाना लिया है। अब हम साबूदाने को अच्छे से धो लेंगे इस प्रकार से, हाथ से। और धुलने के बाद हम जो है इसका पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने साबूदाने को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये इस प्रकार से। साबूदाने से थोड़ा सा पानी ऊपर रहना चाहिए। और इसको हम 4-5 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब ये फूलता है तो इसको पानी की आवश्यकता लगती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए, अब हम साबूदाने को जो है ढककर 4-5 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। तो देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो ये देखिए, मैं आपको पास में से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना बहुत ही अच्छे से गला है, अच्छे से फूल गया है। और ये देखिए, हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और आपको अगर खिचड़ी बनानी है तो आप इस प्रकार से गला करके साबूदाने को खिचड़ी बना सकते हैं। तो खिचड़ी भी एकदम खिली खिली बनेगी। दोस्तों, इससे हम बनाएंगे साबूदाने के पापड़। तो ये हम पापड़ बनाने के लिए लेते हैं कुछ चूड़ियाँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने चूड़ियाँ ली हैं। आप कांच की, मेटल की, जैसे भी चाहें आप चूड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और पापड़ बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में रख दिया है यहाँ पे गर्म होने के लिए पानी। तो इसको ढक देंगे तो और जल्दी गर्म हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसको ढक दिया है। और अब हम जो है एक थाली में तेल लगा लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से थाली में, पूरी थाली में तेल लगा लेंगे। और इसमें हम ये जो है चूड़ियों को इस प्रकार से रख देंगे, थोड़ा दूरी से रखेंगे ताकि उठाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर हम चूड़ियों को इतनी दूरी पर रख देते हैं। तो दोस्तों, आप एक साथ में 6 से 7 पापड़ बना सकते हैं इसमें। तो हमने इस प्रकार से रख दिया है चूड़ियों को यहाँ इस थाली में। और अब जो है हम इसमें साबूदाना डालेंगे। तो ये देखिए, इस ये देखिए, चूड़ियों में हम जो है साबूदाना रख देंगे इस प्रकार से फैला करके। चूड़ियों को जो है अपनी जगह से नहीं हिलाना है हमें, और इतनी दूरी पर चूड़ियाँ रखनी है ताकि जब हम उठाएं चूड़ियाँ तो उठाने में कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम साबूदाना जो है फैला देंगे। और ये जो चूड़ियों में से, साबूदाने में से जो है नीचे थाली नहीं दिखनी चाहिए। अगर थाली दिखती है तो हम इसमें और अच्छे से साबूदाना रख देंगे। तो ये देखिए, हमने इस प्रकार से साबूदाना रख दिया है। और हम जो है आराम से चूड़ियों को जो है उठा लेंगे इस प्रकार से, एक एक करके सारी चूड़ियाँ उठा लेंगे हम। ये जो साबूदाना इधर उधर हो गया है चूड़ियाँ उठाने में, उसको सही कर देंगे हम। और देखते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम जो है पापड़ की थाली जो है रख देंगे और इसको ढक देंगे। हम पापड़ को पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यहाँ पर जो है गैस का फ्लेम हमें एकदम हाई रखना है। तो पापड़ बन रहे हैं जब तक हम दूसरी थाली तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो है बड़े साइज़ की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। मैंने, मेरे पास ये चूड़ियाँ थी छोटे साइज़ की, तो मैंने ये ले ली हैं। आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पापड़ जो है बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये देखिए,
हमारे पापड़ बनने में अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जो इधर ये जो सफ़ेद सफ़ेद थोड़े से दिखते हैं ना, ये अगर रह जाते हैं तो हमें थोड़े से समय की ज़रूरत और होती है। तो बनने के बाद जो है बिल्कुल कांच जैसे दिखने लगेंगे ये जो पापड़ हैं वो, तो हम इनको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो देखिए अब हम देख लेते हैं, तो देखिए हमारे पापड़ जो है बनकर तैयार हैं। अब हम इसको उठा लेते हैं और ये जो हमने दूसरी थाली तैयार की थी हम इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसको भी ढक देते हैं। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए थाली ठंडी हो गई है। अब हम इसको निकालने के लिए एक पलटा ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चाकू लिया है, तो मैं चाकू पर भी हम उसी प्रकार से तेल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और चाकू की सहायता से यहाँ पर निकालेंगे हम इस प्रकार से। तो ये देखिए ये जो पापड़ है बिल्कुल बहुत अच्छे से निकल गया है। ये देखिए बहुत अच्छा पापड़ बना है। तो आप पलटे से भी निकाल सकते हैं और जो चम्मच होती है उसके पिछले भाग से भी निकाल सकते हैं आप। तो ये देखिए पापड़ बनकर तैयार है। अब हम इसको ये जो पॉलीथीन होती है उस पर इस प्रकार से फैला देंगे। तो मैं इसी प्रकार से सारे पापड़ जो हैं वो निकाल लूँगी। तो दोस्तों ये जो पापड़ हैं इनको हमें 4 से 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आपको कहीं सफ़ेद साबूदाना दिखे कहीं कहीं पर तो आप इसको 6 से 7 मिनट पका सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती इनको पकाने की, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में आसानी से पक जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, पापड़ बनकर तैयार हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाते हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप इनका उपयोग कभी भी कर सकते हैं, या उपवास में भी कर सकते हैं, मेहमान आने पर भी कर सकते हैं, और जब भी आपकी इच्छा होती है खाने की तब भी आप इनको फटाफट तल के आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पापड़ सूख गए हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों तलने पर भी आसानी से तला जाते हैं। ये देखिए दोस्तों पापड़ बनकर तैयार हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया पापड़ बने हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक पापड़ तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरे बने हैं, ये देखिए आसानी से टूट गए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।